नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कृतिका चावला। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग पूरी होने के अगले ही दिन अजमेर में तीन अज्ञात बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। ख्वाजा नगरी के नाम से मशहूर राजस्थान के अजमेर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पीट पीट कर एक मौलाना की हत्या कर दी गई है। ये हत्या कहीं और नहीं बल्कि मस्जिद में ही की गई है। तीन बदमाशों ने लाठी और डंडों से मौलाना को पीटा। जिस दौरान ये सब हुआ उस वक्त वहां पर बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन बदमाशों ने उन्हें धमकी दे दी कि कुछ भी कहा तो जान से मार देंगे। मौलाना दो दिन पहले ही मस्जिद पहुंचे थे, वे बच्चों के साथ मस्जिद में ही सो रहे थे। हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। मामले की सूचना पर रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। घटना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रवासी और समाज के अन्य लोग भी मस्जिद पहुंचे हैं। इस मामले में पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की गई है। स्थानीय निवासी हाजी मोहम्मद शरीफ अब्बासी ने बताया कि कंचन नगर खानपुर दोराई इलाके में स्थित मोहम्मदी मदीना मस्जिद के मौलाना मोहम्मद माहिर दो दिन पहले ही अजमेर आए थे। उनके साथ 6 नाबालिग बच्चे भी थे जिन्हें वे पढ़ाते थे। शुक्रवार आधी रात करीब 3:30 पर तीन नकाब पेश बदमाश पीछे से रास्ते से मस्जिद में घुसे। बदमाशों ने बच्चों को डरा धमका कर बाहर भगा दिया गया। उसके बाद बदमाशों ने लाठी और डंडों से पीट पीट कर मौलाना मोहम्मद माहिर की हत्या कर दी। मामले की सूचना पर क्षेत्रवासी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक तीन बदमाश मौके से फरार हो गए थे। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना रामगंज थाना पुलिस को दी। इस पर थाना प्रभारी रविंद्र सिंह खींची सहित पुलिस जाप्ता लेकर मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौका मुआयना किया और स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की। हालात की गंभीरता को देखते हुए अजमेर दक्षिण पुलिस उपाधीक्षक भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस ने मौके पर FSL की टीम को बुलाया है। पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। पुलिस को पास में ही स्थित झाड़ियों में दो डंडे मिले हैं। डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मौलाना मोहम्मद माहिर 2 महीने पहले ही मस्जिद के मौलाना बने हैं। वे यूपी से 7 साल पहले अजमेर कंचन नगर स्थित मदीना मस्जिद में पढ़ाने आए थे। 2 महीने पहले ही उनके गुरु का इंतकाल होने के बाद उन्हें मौलाना बनाया गया है। 1 महीने रामजन होने के चलते ये अपने गांव गए थे। उसके बाद 2 दिन पहले ही वे अजमेर वापस आए थे। मौलाना की हत्या क्यों की गई है इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस फिलहाल आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने में भी जुटी हुई है। पता लगाया जा रहा है कि वे बदमाश कौन थे। बहरहाल पुलिस ने मौलाना के शव को JLN अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहां शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, उसे परिजनों को सुपुर्द भी किया जाएगा। ऐसे ही देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स।